गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ पास रह जाएगा जो बरसों के बाद भी याद रह जाएगा वो होगा ये हंसी दिन का कोई रोशन सा लम्हा। दोस्तों सिर्फ 10 दिन बचे हैं ये साल गुजरने में। 10 दिन कोई ऐसा कुछ कम समय नहीं होता जिसे हम जी ना सकें खुलकर। अगर पलटकर पूरे साल पर नजर डालें, हमें कुछ ऐसा हुआ ना दिखे साल भर में जिसे जीना कहते हैं, तो देरी किस बात की, जी लीजिए इस बचे हुए दिन को। आने वाले नए साल पर फिर नया रेजोल्यूशन बनाएं और फिर हर साल की तरह वो हाथ से छूटता हुआ दिखे, ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लम्हों को जीते हैं और फिर उन्हीं लम्हों को जोड़कर यादों की माला पिरोते हैं। लाइफ में रिग्रेट को जगह ना दें कि काश ये कर लिया होता वो कर लिया होता। बेहतर है साल के इन चंद दिनों को फुल टू मस्ती के साथ जिया जाए। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग बनारस के इसी एंथुजियाज्म को बनाए रखते हुए सुन लेते हैं ये ट्रैक विद मी यानी चित्रा के साथ ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। सो एंजॉय दिस ट्रैक, विल बी बैक इन अ वाइल। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट चित्रा। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। आज है 22 दिसंबर 2022। आज इस प्रोग्राम में होगी ढेर सारी बातें, आज के खास इवेंट्स, देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपने शहर में क्या हुआ कुछ खास। बनारस समेत पूर्वांचल में शीतलहर ने दस्तक दी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बाद बनारस और आसपास के जिलों में शीतलहर ने मंगलवार को दस्तक दे दी है। सोमवार रात 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चली सर्द हवा और मंगलवार सुबह देर रात तक कोहरा छाए रहने से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कोहरा के चलते वायुपथ की दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच गई। बनारस का तापमान 2 डिग्री गिर गया। 12वीं तक स्कूल कॉलेजेस अब 10 बजे से कर दिया गया है। यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 22.6 और मिनिमम 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरा के चलते वातावरण में 80% तक नमी के चलते वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है। बनारस के लोग हर रोज 4 सिगरेट के बराबर वायु प्रदूषण झेल रहे हैं। शहर का औसत AQI 82.6 है। ये स्थिति सबके लिए खतरनाक है। ये तथ्य ट्रैफिक पुलिस लाइन के सभागार में प्रदूषण के संबंध में आयोजित सम्मेलन में आया। ये सम्मेलन PCD व लंग्स केयर फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से करवाया। तो दोस्तों वायु प्रदूषण, कोहरे की मार और शीतलहर को मद्देनजर रखते हुए आप अपना ख्याल रखें। रात को ड्राइविंग न करें जब विजिबिलिटी बिल्कुल भी ना हो। और अब तो कोरोना ने भी दस्तक दे दिया है, तो मास्क इत्यादि जरूर पहने। ठंड की शीतलहरी से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं BHU के एम्फी थिएटर स्थित एस्ट्रो टर्फ पर मंगलवार को पूर्वी जोन अंदर विश्वविद्यालयी महिला हॉकी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन हुए 2 मुकाबले में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने अपने अपने मैच जीत लिए। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर सुनील कुमार सेठ और नागेंद्र सिंह ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा इन प्रतियोगिताओं को का मेन मोटिव यंगस्टर में खेल भावना और टीम वर्क स्पिरिट पैदा करना है। BHU के MP थिएटर मैदान में चल रहे पूर्वी जोन महिला हॉकी टूर्नामेंट में बुधवार को कोलकाता, BHU मिजोरम और दुर्ग विश्वविद्यालय ने बड़ी जीत दर्ज की। खेल से आगे बढ़ते हैं और जानकारी लें उद्योग जगत की। चांदपुर औद्योगिक स्थान में 4 मंजिला ODOP मॉल बनेगा। इसमें सिल्क उत्पादों, गुलाबी मीनाकारी और लकड़ी के खिलौनों को प्रोत्साहित मिलेगा। उद्योग विभाग के मुख्यालय ने पिछले दिनों इसके निर्माण का प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। औद्योगिक स्थान में करीब 2 एकड़ क्षेत्र में फैले पार्क में ODOP मॉल प्रस्तावित है। इस पार्क में पहले उद्योगों के लिए कोयला स्टोरेज होता था। यहाँ कभी
फ्लडेड फैक्ट्री बनाने की योजना भी बनी थी। अब इसके बदलाव को करते हुए एक छत के नीचे उत्पाद के साथ बिक्री सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। शहर में होने के अलावा ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिलेगी, इससे बुनकरों शिल्पकारों को माल भाड़ा में राहत होगी। ओडीओपी मॉल का सबसे ज्यादा लाभ चौक क्षेत्र के साड़ी व्यवसायियों को मिलेगा। चौक, कुंज गली, सूत टोला, ठटेरी बाजार, चौकम्बा में साड़ी के कारोबारियों को दिक्कत आ रही थी। नो एंट्री के कारण सब अपने व्यवसायी इकाइयों को दूसरी जगह शिफ्ट कराना चाहते थे। तो है ना, आम के आम गुटलियों के दाम वाली ये स्कीम, एक ही स्थान पे हो जाएंगे सारे काम। इस बार क्रिसमस पर नगर की सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं ने गंगा तट पर विविध आयोजन की रूपरेखा बनाई है। युवाओं द्वारा संचालित ज्यादातर संस्थाओं के आयोजन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से लोगों से जरूरतमंदों की मदद के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया जाएगा। किसी से संस्था ने धन नहीं मांगा है, बल्कि कपड़े, किताबें, रोजमर्रा की चीजों की अपेक्षा की है। इनका वितरण वृद्धाश्रमों, अनाथाश्रमों के साथ साथ गरीब बस्ती में की जाएगी। बहुत ही नेक प्रयास है ये। लहरतारा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधन कार्यों में बुधवार को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन में बुधवार को मंडल राजभाषा कार्यान्वित समिति की बैठक की गई। ई ऑफिस की कार्यप्रणाली और हिंदी का प्रावधान विषय पर संगोष्ठी हुई। इस कार्य की अध्यक्षता करते हुए डीआरएम ने कहा कि कार्यों में राजभाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। उन्होंने मूल पत्राचार 100% हिंदी करने, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों को हिंदी में उत्तर देने और वाराणसी मंडल की वेबसाइट पर सामग्री की द्विभाषा में अपलोड करने की बात कही है। अब जान लेते हैं आज का दिन क्यों है खास। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। भारत के महान मैथमेटिशियन के जन्मदिन पर इस खास दिन को मनाया जाता है, जिन्होंने मैथ्स के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाने की घोषणा की। फरवरी 2012 को मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को ये दिन मनाने की घोषणा तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने की। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था। बचपन से ही मैथ्स में इनका काफी लगाव था। मैथ्स को छोड़ अन्य विषयों में ये बेहद कमजोर थे, लेकिन मैथ्स से इतना प्रेम था कि अन्य विषयों पर इन्होंने अलग से नहीं, मैथ्स में अपनी पहचान बनाई। रामानुजन ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर लिया था। 13 साल की उम्र में रामानुजन ने लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस एल लोनी की वर्ल्ड फेमस ट्रिग्नोमेट्री पर लिखित बुक को पढ़कर अपनी खुद की मैथमेटिक्स थ्योरी बनाई। बहुत ही कम उम्र में बिना किसी मदद के इन्होंने थ्योरम रच दिया। इस विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें कई सम्मान से नवाजा। रामानुजन ने नंबर 1729 यानी 1729 को मैजिक नंबर कहा। ये दो अलग अलग संख्या के घनों के योग के रूप में व्यक्त की जाने वाली सबसे छोटी संख्या है। इसके अलावा मैथमेटिक्स एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनिटी सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी रामानुजन की ही देन है। ये एक अमूल्य धरोहर है। इनका एस्टिमेटेड आईक्यू 185 यानी 185 दर्ज है। भारत भूमि के लिए, ये हमारी धरती के लिए एक अमूल्य धरोहर है। जन्मदिन के अवसर पर इन्हें शत शत नमन। अब बातें कर लेते हैं देश दुनिया की। चीन में कोविड संबंधी पाबंदी हटने के बाद कोरोना वायरस के नए मामले फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अमेरिकी साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि अगले 90 दिनों में चीन के करीब 60% और दुनिया की 10% आबादी संक्रमित हो सकती है। इस बात की इन्होंने आशंका जताई है। 2019 से शुरू हुई महामारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कोरोना के नए रूप BF7
कि गुजरात और ओडिशा में 4 मामले मिले हैं। सरकार ने इसके लिए सतर्कता जताई है। यूपी में भी अलर्ट कर दिया गया है। जीनोम सिक्वेंसिंग इसकी की जाएगी। इसके लक्षण ओमिक्रॉन के पहले वेरिएंट जैसे ही हैं। सरकार के जारी गाइडलाइंस को फॉलो करें और खुद भी बचें और सबको बचाएं इस महामारी से। बहुत टाइम के बाद जीवन अब पटरी पर आया है। अब आज बता दें 22 दिसंबर के जन्मे लोगों के बारे में था। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म आज के दिन 1887 में हुआ था। आज के दिन 1982 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने V2 रॉकेट की बड़ी संख्या में उत्पाद के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। ये लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल था। इसका इस्तेमाल World War II में हुआ था। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि पंकज सिंह का जन्म आज के दिन 1948 को हुआ था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक माँ शारदा देवी का भी जन्म आज के दिन 1953 में हुआ था। और अब बात कर लेते हैं आज जिन्होंने हमें अलविदा कहा। भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार बसंत देसाई का निधन आज के दिन 1975 में हुआ था। ईरान में 2005 में जहरीली गैस से हजारों ईरानियों को मारने के आरोप पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाने की मांग की। देश के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट पीके अयंगर का निधन आज के दिन 2011 में हुआ था। दोस्तों बातें हैं बहुत सारी, लेकिन वक्त का तगाजा कहता है आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको बता दें किसी ने क्या खूब कहा है, यू बिकम योर ओन लाइट, यानी अपना प्रकाश आप स्वयं बने। जिस चीज में बेस्ट हो वो ही करें। और अब गुड मॉर्निंग बनारस में बस इतना ही। अब से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से। और ठीक 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम सुनना भूलिएगा नहीं। अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा pkldaiarvaranasi@gmail.com पर। अगले प्रोग्राम के वादे के साथ दीजिए अपनी रोटो होस्ट चित्रा को इजाजत। टिल देन स्टे फिट एंड सेफ एंड कीप लिसनिंग। आपकी वाणी आकाशवाणी।